मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर रोज लाखों लोग अपना बस्ता लेकर जिंदगी में कुछ करने और नाम कमाने की चाह लिए पहुंचते हैं। ये लाइन हमने कई बार कई फिल्मों में सुनी है, पर हम दोहरा रहे हैं क्योंकि बात सच्ची है। मुंबई पहुंचने वाले ज्यादातर लोगों के मन में एक सपना होता है, वो सपना है एक्टर बनने का सपना। कई लोगों को लगता है कि एक्टर बनने के लिए कुछ प्ले किए, ऑडिशन दिए और लक रहा तो आपको कोई अच्छा ब्रेक मिल जाता है और आप एक्टर बन जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी जाता है, पर ये एक्टर बनने का सही प्रोसेस नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पीयूष मिश्रा, रत्ना पाठक शाह, पंकज त्रिपाठी, अनुपम खेर, नसीरुद्दीन शाह जैसे कई सारे एक्टर्स ने एक्टिंग का प्रोफेशनल कोर्स किया, फिर सालों अपने हुनर को तराशा और आज इन एक्टर्स को एक्टिंग की दुनिया में शीर्ष पर माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग रोड शो, जिसमें आज बात करेंगे एक्टिंग में करियर की। जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7, इंडिया नंबर वन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। बॉलीवुड में एक्टिंग फैमिली जैसे कि कपूर, भट्ट और बच्चन का बोलबाला है। कहते हैं किसी आउटसाइडर के लिए मुंबई जाकर एक्टिंग में करियर बनाना बेहद मुश्किल काम है। ये बात सच है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पर मसला ये भी है कि लोग बिना डिग्री के, बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के एक्टिंग की फील्ड में काम ढूंढ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टिंग में भी भला कोई डिग्री होती है, तो जवाब है हाँ। अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स मुंबई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता, बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो मुंबई, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल और भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ। ये भारत में एक्टिंग के लिए कुछ टॉप संस्थान हैं। इसके अलावा भी देश में कई कॉलेजेस हैं और एक्टिंग स्कूल्स हैं, अकेडमीज हैं जहां लोग एक्टिंग सीखने पहुंचते हैं। इन कॉलेजों के लिए बाकायदा एंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है, कई जगह इंटरव्यू होता है, कई जगह ग्रुप एक्टिविटी, चयन कमेटी के सामने आपको अपनी एक्टिंग का नमूना भी दिखाना पड़ता है और फिर जाकर कहीं इस कोर्स में एडमिशन मिलता है। हर संस्थान का एडमिशन प्रोसीजर और क्राइटेरिया एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग होता है। हम बात NSD के एडमिशन क्राइटेरिया की कर लेते हैं। NSD एक्टिंग और थिएटर टेक्निक एंड डिजाइन में डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करती है। इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट को भारत या फिर विदेश की किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। कैंडिडेट को कम से कम 6 अलग अलग थिएटर प्रस्तुतियों में भाग लेना जरूरी है। साथ ही कैंडिडेट को इस अनुभव के दस्तावेज जैसे कि पेपर में प्रिंट हुआ आर्टिकल और शो के लिए तैयार की गई पैम्पलेट वगैरह भी साथ लगानी होगी। कैंडिडेट को कम से कम एक थिएटर एक्सपर्ट से रिकमेंडेशन लेटर लिखवाना होगा और कैंडिडेट को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं ठीक ठाक आनी चाहिए। इसके अलावा ये भी जान लीजिए कि NSD में पढ़ने के लिए आपको फीस नहीं देनी होती। यहाँ बस सिलेक्शन हो जाए फिर NSD खुद आपको 10,000 रुपए महीने की स्कॉलरशिप देती है। यहाँ हर साल लगभग 26 छात्रों को एडमिशन दिया जाता है। ये छात्र NSD कैंपस के हॉस्टल में ही रहते हैं। इन्हें हर महीने 10,000 रुपए मिलते हैं, जिनमें से छात्रों की हॉस्टल और मैस फीस भी जाती है। छात्र यहाँ सारा दिन अभिनय से जुड़ी क्लासेस करते हैं। यहाँ प्रोडक्शन से लेकर के एक्टिंग, डिजाइन सब कुछ पढ़ाया जाता है और एक 360 डिग्री ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा BNA और MPSD की फीस भी प्राइवेट संस्थानों के मुकाबले काफी कम है। NSD में एडमिशन के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। इसी तरह BNA और MPSD में भी एज लिमिट 30 साल तक है, पर MPSD में कम से कम 2 साल का थिएटर एक्सपीरियंस और 3 प्ले में काम किया होना जरूरी है। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेजों की और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें जैसे कि FTII, बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो, तो यहाँ कोई एज बार नहीं है और 18 साल के ऊपर का कोई भी व्यक्ति यहाँ चलने वाले प्रोग्राम्स में हिस्सा ले सकता है, पर यहाँ की फीस अमूमन काफ़ी महंगी है। NSD से ही पास हुई भूमिका दुबे लंबे समय से मुंबई में काम कर रही हैं। उन्होंने तुम्हारी सुलू और इंदु सरकार जैसी फिल्मों में काम किया है। भूमिका को थिएटर का कीड़ा बचपन से ही था और उन्हें एक्टिंग सीखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से स्कॉलरशिप भी मिली थी। ऐसी कई सारी स्कॉलरशिप हैं जो अभिनय सीखने के लिए दी जाती हैं, चलिए जानते हैं। तो अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के स्कॉलरशिप की, जूनियर स्कॉलरशिप की, जो आपको मिलती है अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और 25 साल से कम, और ये आपको 2 साल के लिए मिलती है। एंड नाउ दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप इज नॉट फॉर ओनली एक्टर्स, ये आर्टिस्ट के लिए है। तो अगर आपकी रुचि म्यूजिक के अंदर है, डांस के अंदर है, डायरेक्शन के अंदर है,
थिएटर प्रोडक्शन के अंदर हैं, आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2 राउंड के इंटरव्यूज होते हैं जिसको आपको पार करना पड़ता है। स्कॉलरशिप के बीच में एक असेसमेंट होता है जहां आपको जो आपने 1 साल के अंदर काम किया है वो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप कंटिन्यू की जाए या नहीं। और इसकी सारी जानकारी, इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी कंडीशन, इसका एक एक चीज़ की आपको किस तरीके से इसको आप सबमिट कर सकते हैं, ये सब आपको मिलेगा indiaculture.nic.in पे। कई लोगों को लगता है कि एक्टिंग जैसे प्रोफेशन के लिए ट्रेनिंग और डिग्री की क्या जरूरत है। NSD से पास आउट भूमिका ने क्या कहा, सुनिए। बिल्कुल मिल जाता है, कम्प्लीटली अग्री कि बिना डिग्री के रोल मिल जाते हैं। कई बहुत बड़ा हिस्सा इसके अंदर आपकी डेस्टिनी का भी होता है, और कई बार उस इंसान ने जो मेहनत आपने एक प्रोफेशनल डिग्री लेते हुए की है, वही मेहनत तो उसने बाहर रह के की है, वही चीज़ें उन्हें बाहरी किसी दूसरे सोर्सेज से सीखी है, पर मेहनत ज़रूर है इसके अंदर इन्वॉल्व। और अगर प्रोफेशनल डिग्री की बात अगर हम कर रहे हैं, देखिए एक्टिंग सिनेमा हर 5 साल के अंदर बदल रहा है। यहाँ रहते हुए जितना मुझे क्या कहते हैं 4 साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ये है कि पीपल प्रिफर यू इफ़ यू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री, पीपल प्रिफर यू इफ़ यू हैव प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ एक्टिंग। जिस तरीके से आपने एक इंस्टीट्यूट के अंदर इतने सालों पर मेहनत की है, अपने काम पर मेहनत की है, अगर सीखा है, तो वो प्रेफर करते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रीम लेयर जिसके अंदर आप फिर आ जाते हैं। आज काफ़ी एक्टर ओरिएंटेड काम होता है, आप ये कोई सी भी उठा के अगर आप OTT पे देख लें, जितनी सीरीज आ रही हैं, एक फिल्म देख लें, और कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही एक अच्छा खासा एडिशनल पॉइंट ही अगर आपके पास एक एक्टिंग की प्रोफेशनल डिग्री है तो। एक्टिंग में कोर्सेज की बात करें तो इसमें ज़्यादातर संस्थान डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। ये PG डिप्लोमा होता है जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले सकते हैं। आप जिस भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक कर लें। हाँ, इस ट्रेनिंग के बाद आपको ऑडिशन देकर अपने रोल्स तलाशने होंगे, एक प्रोफाइल बनाना होगा और ये तय करना होगा कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि तेजी से बढ़ते डिजिटल कंटेंट और OTT पर भरा भर रिलीज होती फिल्मों और सीरीज के चलते आजकल एक्टिंग की फील्ड में स्कोप काफी अच्छा है, पहले से ज्यादा मौके हैं और पहले से बेहतर रोल्स भी, तो यानी एक्टिंग में करियर बनाने का ये समय अच्छा है। रंगरूट शो में आज इतना ही, आपको हमारा ये शो कैसा लगा बताइएगा और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर रंगरूट का पीछा मानी के फॉलो करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए और रंगरूट से जुड़े रहिए।